जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी के द्वारा और पूरे भारतीय जनता पार्टी जिले के सभी वरिष्ठ लोगों के द्वारा आज जो हमारा सम्मान किया, हमारा स्वागत किया, मैं अभिभूत हूँ और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन और अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, ऊर्जावान, हसमुख, प्रसन्न चित्त, सबको आशीर्वाद देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय मलखान सिंह जी के लिए जोरदार तालियां आप सब लोग बजाइए। हमारे बड़ा मलेरा से विधायक, हमारे छोटे भाई, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष आदरणीय प्रदम सिंह लोधी जी हमारे बीच में विराजमान है, हम सब का स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण काले जी, जिन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर तो काम किया लेकिन कार्यकर्ता बहुत उन्होंने बनाए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष जिन और नगर पालिका की पूर्व उपाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है, ऐसी आप आदरणीय लता राजे चौहान जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जयनारायण अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित। आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे आदरणीय जयराम चतुर्वेदी जी, आदरणीय विवेक चौरसिया जी, आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी। मंच पर उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री आदरणीय अवनेन्द्र पटेरिया जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय संजय रिछारिया जी, जिनका मार्गदर्शन भी और कभी कभी हमारे देवर होने के नाते चुटकुले भी मिलते रहते हैं। आदरणीय हमारे अशोक दुबे जी, हमारे दिलीप अहिरवार जी जो प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे दिग्विजय त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य पदों पर रहे हैं, हमारे अरविंद त्रिपाठी जी जो उन्होंने कुशल संगठन गढ़ने का जो उनमें साहस है, आदरणीय जावेद अख्तर जी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे महामंत्री हैं, हमें उस तरह कोर्ट दिख रही है, आदरणीय अरविंद मुदेला जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, राजेश तिवारी जी, हमारे भागीरथ कुशवाहा जी, हमारे अभिषेक जी, अभिषेक जिनके नेतृत्व में आज बहुत ही युवा कार्यकर्ता आए, मैं उनका स्वागत करती हूँ। युवा तरुणाई है, उन्हें कुछ करने की क्षमता है। आदरणीय हमारे नीरज जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां छुपे थे ना, वही मणिकांत जी, हमारे मिंटू पंडा जी जो उम्र कम है लेकिन नेतृत्व क्षमता बहुत है, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते होंगे तभी ना। और हमारे धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, हमारे नीरज जी जो हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे डब्बू दुबे जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पारस दुबे डब्बू, वही तो हम कह रहे हैं, लाड़ से डब्बू कहते हैं ना हमारे डंगर मंडल के अध्यक्ष, हमारे नरेंद्र यादव जी बहुत ही युवाओं में जोश भरते हैं, काम करते हैं, हमारे सबलू राजा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो हमने देखा है, पहले हम लोग कार्यकर्ता थे जब महामंत्री रहा करते थे, आदरणीय परशुराम शुक्ला जी, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आदरणीय रघुनाथ शर्मा जी, सबलू राजा जी, हमारे व्यापारियों के जो व्यापारियों का नेतृत्व करते रहते, हमारे लालू लालवानी जी, हमारे छबलाल पटेल जी जो हमारे पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और मंचा सिंह हमारे नूतन जी, अब मंच पे हमारे गोवर्धन जी, सम्मानी मंच जनपद के अध्यक्ष
मोनू सम्मानी मंच और हमारे सामने विराजमान सभी मंडलों के अध्यक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी जिले के हमारे अध्यक्ष ने जो आह्वान किया, सभी हमारे जिले हमारे मंडलों के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, हमारे यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सबका वंदन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इस अवसर पर ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो फर्श से अर्श तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, ललिता यादव यहाँ कुछ नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी हटा दे तो ललिता यादव कुछ नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे काले भाई साहब, हमारे उमेश जी, 94 में जब उनने मुझसे कहा आपको 4 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना है, हमारे आदरणीय लता राजे चौहान जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, चंद्रिका माता के यहाँ उनने मीटिंग ली थी, बैठक ली थी, और उन्होंने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं उस समय LLB कर रही थी, मैंने मना किया। लेकिन उमेश भाई साहब, काले भाई साहब, तीरे भाई साहब, सबने हमारे यादव जी पे दबाव बनाया, क्योंकि उस समय शर्मा शुक्ला बस चला करती थी और हमारे हस्बैंड भी कंट्रेक्टर थे, ये जोड़ तोड़ था इन लोगों का। मैंने हाँ, फिर उनने कहा तो मैंने हाँ कह दिया। 94 में मैंने वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा और हमारे एक ही कार्यकर्ता नाराज हो गए तो 71 वोट से हम चुनाव हार गए। और उसी समय ऐसा दौर आया कि हम LLB सेकेंड ईयर में फेल भी हो गए, हमने कहा चुनाव भी हार गए, फेल भी हो गए, अब करें तो करें क्या। तो आदरणीय हमारी दीदी लता राजे चौहान जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, इनके नेतृत्व में हमने काम किया। आदरणीय दीदी ने मुझे नगर मंडल का महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, आदरणीय दीदी ने मुझे जिले में कोषाध्यक्ष बनाया। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और एक कार्यकर्ता को कहां तक ले जाने का काम अगर करती तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कोषाध्यक्ष के बाद आदरणीय GP सिंह का कक्का जी और कक्का जू दोनों लोगों ने मुझे 97 में महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। ये वही प्रांगण है जब महिला मोर्चा का पहला शुभारंभ और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की कुशासन की सरकार थी, हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो यहाँ पूरे प्रांगण में महिलाएं थी। उस समय कक्का जी और कक्का जी ने ये कहा कि आज ये पहला कार्यक्रम है जहाँ इतनी मातृशक्ति विराजमान, और लगातार 2 बार में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और काम किया, धरना किए, आंदोलन किए, रिक्शे से जाते थे, पैदल जाते थे, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 99 में, क्योंकि कार्यकर्ता की परख भारतीय जनता पार्टी को है, 99 में नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया, 9000 वोट से इस शहर ने मुझे चुनाव जिताया। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि इस शहर ने मुझे, इस विधानसभा ने मुझे 3-3 बार आशीर्वाद दिया, 3-3 बार आशीर्वाद दिया। अरे अगर आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया होता तो मुझे अपनी प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिलता, बहुत से कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन उस समय दिग्विजय की कुशासन की सरकार में पैसे नहीं हुआ करते थे बंधु, बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे, 12-12 महीना तनख्वाह नहीं मिला करती थी, कोई बजट नहीं रहता था। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने भाजपा ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन करें तो करें क्या, हमारे वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन रहता था। एक बार मेरे से पूर्व अध्यक्ष थो जो थे राम बाबू जी, उनके समय हमारे टेलीफोन विभाग ने पूरे शहर को खोद डाला था। हमने दिमाग लगाया, सबके पास बैठे, मैंने कहा विकास कैसे किया जाए, 2-4 लाख रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे विधायक जी, मैंने कहा कैसे किया जाए। तो फिर हमने अपना एक ट्रैक्टर लेते थे नगर पालिका का, और आगे आगे गाड़ी थी भाई, तो जहां बंद हो जाती थी रस्सी से तान के आते थे, और घटिया जैसी वो गाड़ी थी दीदी, बैठना मुश्किल होता उस समय। और हम आगे रहते थे और जितनी
कॉयलें रहती थी, टेलीफोन विभाग की पूरी नगर पालिका भर ली अपने मुहिम चलाई विकास की। पीपे खरे साहब थे, महाप्रबंधक थे, वो छतरपुर के थे। उन्होंने जब फिर वहां के हम लोगों के नगर पालिका के टेलीफोन कट गए, सब टेलीफोन कट गए, फिर पीपी खरे साहब का मेरे पास फोन आया कि आप लोग नगर पालिका ऐसा ना करें। मैंने पीपी खरे साहब से निवेदन किया, यहाँ पर डेरा पहाड़ी पे उनका मकान था, मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा भाई साहब आप एक कृपा कर दीजिए। बोले बताइए। मैंने कहा यह शहर हमारा है और यह शहर आपका है, और ना आपके जेब से जाना है और ना मेरे जेब में आना है। आप पैसा दे दीजिए, मैं नगर का विकास करूंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 97 लाख उस समय 99 में 97 लाख बहुत होते थे। मैंने टेलीफोन विभाग से 97 लाख रुपए लिए और 1 लाख में उस समय 300 मीटर रोड बनती थी, 300 मीटर। और जब हमने सीसी बनाई तो अगल बगल के जिले वालों ने उसको देखा और अगल बगल के जिले वालों ने भी सीसी बनाई। आप सब जानते यहाँ बैठे, यहाँ पर सीपे बिछा करती थी। एक सिर्फ रोड था जो हमारे उमेश भाई साहब का था, उसमें डामरीकरण था, बाकी कोई शहर में रोड नहीं था। काम में इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मौका तो देती है, लेकिन जब मौका देती है और हम पद लेके अगर बैठ जाए कि हम तो बन गए, हम तो प्रदेश के मंत्री बन गए, हम तो अध्यक्ष बन गए, अब हमें कुछ नहीं करना, तो हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ इस शहर ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधायक बनाया, और ये आप लोगों की देन है, शहर की देन है, छतरपुर विधानसभा की देन है कि जो मैं प्रदेश में मंत्री बनी। और अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे सोचा होगा कि मैं कार्यकर्ता बन के, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष के बाद प्रदेश में कोषाध्यक्ष रही, प्रदेश में उपाध्यक्ष रही, संगठन में मैंने काम किया है, और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी की अनुशंसा से जो मुझे प्रदेश का जो दायित्व सौंपा है, ये दायित्व है कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा है, मैं उनका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अपनी ओर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है हमारे लिए, और हम सब यहाँ पर वरिष्ठ लोग विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ लोगों के अनुभव के अनुसार, इनके मार्गदर्शन के साथ हमारे युवाओं की ताकत हमारे साथ खड़ी है, मातृशक्ति की ताकत हमारे साथ खड़ी है, सबकी ऊर्जा लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे, आज हम संकल्प लेते हैं। बंधुओं मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आज हम पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हमने उनके साथ काम कर लिया है, आदरणीय राजमाता सिंधिया जी, ऐसे लाखों लाख हजारों कार्यकर्ताओं ने खून पसीना सींच करके इस भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा है। इस भारतीय जनता पार्टी को आज अगर शिखर तक पहुंचाया है तो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो इस दुनिया में नहीं है, उनने खून पसीना सींच करके भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक ले जाने का काम किया है। मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि आज हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे वर्तमान में माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का दल सर्वोपरि है, सबसे बड़ा देश में दल है। और आज हमारे माननीय राष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे राज्यों में विजय पताका हमारा भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है, ऐसे हमारे यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व है। मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम सब मिलके काम करेंगे। आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे 4 बार हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में बनी, इसके बीच में जो 15 महीना की कुशासन की सरकार, कमलनाथ की सरकार आई, लोगों ने देख लिया, लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए,
भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई भी योजनाएं बनाई थी, चाहे वो संबल योजना की बात करें या जो किसानों के हित में, तो पहले 7.5 लाख खेती का रकबा सिंचाई का हुआ करता था, आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया। संबल योजना जैसी योजना जिसमें हमें 200 रुपया बिल लगता था, अगर कोई खत्म हो जाए 60 साल के पहले तो हमें 2 लाख रुपए मिलते थे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 4 लाख रुपए मिलते थे, 5 लाख रुपए हमारे स्वास्थ्य के लिए मिलते थे, हमारे दवाई के लिए मिलते थे। बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, पढ़ाई की, बच्चों की मैं ज्यादा जाना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने की सरकार बनी, उनने वो योजनाएं बंद कर दी, त्राही त्राही मच गई पूरे प्रदेश में। और आज दोबारा आप सब लोगों की दुआओं के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बनी। आप सब देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं जो कमलनाथ ने बंद कर दी थी सारी योजनाओं को उन्होंने चालू कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए आपन एक बार जोर से तालियां बजाएं। अच्छे काम कर रही हमारी सरकार है, मेरा ये कहना है कि आप कार्यकर्ता हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, हम सब पार्टी में काम करते हैं तो जो हमारी ये योजनाएं हैं हम उसको जनता तक ले जाएं। जब ये योजनाएं कहीं ना कहीं लोगों तो सब कुछ मिलता है, हम गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पीएम आवास बन गया, अपन पूछेंगे किसने दिया, बोले सरपंच ने दिया, अगर बगल वाले ने करा दिया तो उनने दिया। हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक काम कर रही है, ये हमें बताना पड़ेगा बंधुओं, हमें थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगी, हमारी जो सरकार की योजना है जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी कोई नहीं सोचता था ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनेगी जो नीचे तक जाएंगी। यहाँ पर हमारी बहनें विराजमान हैं, पहले हम लोगों के खाते नहीं हुआ करते थे, खाते नहीं खुलते थे, आज घर घर में खाता अगर खुला है और जन धन योजना का काम अगर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। सर पे छत नहीं हुआ करती, कहाँ पक्के मकान थे, तरसते थे कर लो लोग, आप बैठे हैं यहाँ पर पूरे छतरपुर में हजारों मकान बने हैं, अगर किसी की देन है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। महिलाओं ने कभी गैस सिलेंडर नहीं देखे थे, हम लोग सांसद कोटे से गैस सिलेंडर लिया करते थे, माननीय उमा भारती जी यहाँ की सांसद थी उनके कोटे से हमने सिलेंडर लिया था, लेकिन आज हर घर में रसोई गैस सिलेंडर है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण है। बहुत अच्छे काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आपको पता होगा कि 2019 में दोबारा हमारे नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनी। और फिर आप सब जानते हैं जो किसी ने नहीं सोचा था कभी, हमारे देश की 135 करोड़ जनता जिन्होंने जीवन से जो सपने देखे थे, देखते चले आ रहे थे, विभिन्न दलों की सरकारें रही लेकिन वादे सबने किए काम किसी ने नहीं किया। हम जानते हैं हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया, आज जिस तरह से कश्मीर में उनका जाना हुआ और उनका जेल में कैसे मौत हुई आप तक ये पता नहीं, आज जो धारा 370 से हटाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम जानते हैं धारा 370 कितनी खतरनाक थी, वहां का यह आतंकवादी हुआ होते जा रहा था क्योंकि वहां बेरोजगारी थी, दूसरे राज्यों के लोग वहां ना जमीन कर सकते थे ना रोजगार स्थापित कर सकते थे, तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, तो युवा क्या करेगा, आतंकवाद की तरफ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो हमारे मोदी जी ने किया है, वास्तव में इस मंच के माध्यम से पूरी देश की जनता उनको बधाई देती है। हम लोग नारे लगाते थे, जब हम लोग जुलूस निकालते थे तो हम लोग कहा करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है वो प्राणों से प्यारा है। अगर उस सपने को साकार किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक, आप जानते शादी हो गई और अगर व्यक्ति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, उन मुस्लिम बहनों पे क्या गुजरती थी, लेकिन अगर 3 तलाक खत्म करने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया।
कोई नहीं कर सकता था जो उन्होंने किया है। एक और बंधुओं में आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी का जुलूस था पूरा राममय था। हम जानते हैं 500 साल का विवाद कोई नहीं सुलझा पाया, और अगर राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। बोलिए जय श्री राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दायित्व तो मुझे सौंपा है, मैं पूरे नेतृत्व को अपनी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, संकल्प लेती हूँ आप सबके सामने कि हम सब बूथ समिति के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चाओं के अध्यक्ष, मोर्चा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सभी हमारी बहनें और युवा, हम सब मिलकर के काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे को हमें साकार करना पड़ेगा और हम सब लोग मिलकर के करेंगे। मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम जानते हैं, अभी हमारे प्रदुम जी ने कहा हमारे सामने अभी बहुत चुनौतियां हैं, हमारे सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं, हमारे सामने जिला जनपद और मिशन 2023 है और बंधुओं मिशन 2024 भी है। मैं तो मंत्र के माध्यम से संकल्प लेती हूँ, सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व संकल्प लेता है कि माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे चाहे जिला हो, चाहे जनपद हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जीत का परचम लहरा के रहेंगे हम लोग। ऐसा आज मैं पुनः आज जिस तरह से स्वागत सम्मान माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ही आशीर्वाद उनका बना रहता है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने जो स्वागत और सम्मान किया है, मैं अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप जहाँ भी जो आदेश करेंगे, क्योंकि जिले का अध्यक्ष सर्वोपरि होता है और जिला माननीय अध्यक्ष जी के हिसाब से चलता है, और हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुशल संगठन हमारे अध्यक्ष जी है, और आज सब कार्यकर्ताओं से मैं यही आह्वान करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी ऐसी पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हमारी ऐसी पार्टी जिनने विकास किया हो, हमारी ऐसी पार्टी जिसका परचम लहरा रहा होगा, हमारी ऐसी पार्टी कि माननीय हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व उनको सराह रहा हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और ये वादा करती हूँ माननीय काले जी, कभी ऐसी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ललिता यादव ने जिस तरह से 94 से कार्यकर्ता बन के काम किया है, मैं कुछ भी बन जाऊं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।